about me. इसी को लेकर सन्नोद गांव में विशाल कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी ने इस अभियान को भी एक नाम दिया है, गोंडवाना चले गांव की ओर। इस अभियान के तहत प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 41 कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। खातेगांव से दुर्गेश पवार की रिपोर्ट। बताए भैया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज सन्नोद की पावन धरती से विधानसभा 2023 का आगाज कर चुकी है और उसने स्लोगन दिया गोंडवाना चली गांव की ओर, घर घर झंडा हर घर झंडा अभियान के तहत अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्येक पोलिंग बूथों में जाकर के एक पोलिंग बूथ में 41 युवाओं को हम लोग जिम्मेदारी देंगे, क्रांतिकारी के रूप में उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और ताकत के साथ जिस दिन वोट पड़े 2023 में उस दिन वो 41 हमारे जो युवा हैं वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम का जो अधूरा सपना पड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है, वो सरकार बनाने के लिए वो आज युवा जो है पूरे मध्य प्रदेश में संकल्पित हो रहा है और उसी संकल्प के कारण आज जो पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम है उन जो आंदोलन उन्होंने डंडा और झंडा दिया था उसी को लेकर आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सन्नौद में है और घर घर झंडा और हर घर झंडा के अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। सर आपका नाम बताएं। कुंवर बलबीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र।